का फिल्मी गाना था, मुझको यारो माफ करना मैं नशे में हूँ। नशे में न जाने क्या क्या हरकतें करती गोदी मीडिया पर ये गाना फिट तो बैठ सकता था, लेकिन हमारा प्यारा गोदी मीडिया माफी मांग ही नहीं रहा है, भले ही संसद में उस पर सवाल उठ जाए। इस देश में अधिकतर चैनल शाम 5 बजे के बाद रात 11 बजे तक एक भड़काऊ बहस कराकर मानसिक प्रदूषण फैलाने का प्रयास करते हैं। जज साहब अपना गैवल बजाते बजाते थक जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नफरती भाषण के मुद्दे पर टीवी चैनलों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि चैनलों पर बहस बेलगाम हो गई है या फिर दुनिया हम पर हंसने लगी। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक भारत 180 देशों के बीच 150वें पायदान पर है। यह अब तक की सबसे निचली रैंकिंग है मीडिया के आजादी के मामले में। तो क्या बोलेंगे सर? नहीं, अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। इतना गिरे कि लोगों ने लाइव शो में पकड़ के धोया, लेकिन वो मीडिया कहाँ उठा जो इस नशे में सोया। ओके, सो दिस इज जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड यहाँ पे एटलीस्ट हिंदू मुसलमान मत करना। यू आर द वर्स्ट मीडिया चैनल। बाद में बात करेंगे, इस बारे में बात नहीं हो रही, आप बताइए। इस साल एक बात तो रही कि मीडिया ने साबित किया कि वो अपने एक स्टैंड पर तो कायम रहे, सांप्रदायिकता पर स्टैंड। अरे नहीं, उसके खिलाफ नहीं, सांप्रदायिकता के साथ खड़े रहने का स्टैंड। कि गर्मी का भी अब धर्म हो चुका है, ये गर्मी का धर्म कैसा होता है? अमीश भाई, जूता उतार के मेरे सर पर मार लो, पर ऐसे सवाल ना पूछो भाई। धर्म के आधार पर गर्मी कैसे कम और ज्यादा होती है? अरे अमीश देवगन, जूते मार लो भाई। अरे क्यों आप जूते ऐसी मार लो हमारे सर क्यों पर, किसी को और हमसे ऐसा सवाल ना पूछो। यहाँ तक कि मीडिया ने अपना धर्म भी ढूंढ लिया, उसकी आस्था लोकतंत्र में नहीं किसी धर्म विशेष में है। हम लोग इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं में क्या हिंदू विरोधी बातों की कोई प्रतियोगिता चल रही है, कि कंपटीशन चल रहा है? रेस देखिए आप लोग, रेस चल रही है तुष्टीकरण की रेस, कौन बड़ा एंटी हिंदू फेस। सवाल ये कि हिंदू विरोधी बात जवाब देगा गुजरात, ये बार बार एंटी हिंदू बात जवाब देगा गुजरात। एक पार्टी को चुनाव जिताने के लिए मीडिया ने बाकायदा रणनीति बना डाली, पब्लिक भी कर दी। ये थी योगी आदित्यनाथ की स्ट्रेटेजी। उन्होंने क्या किया, समाज को दो हिस्सों में बांटा, 80% और 20% पे। पूरी रणनीति इस तरह की बनाई कि मुस्लिम वोटर अलग थलग हो जाए और 20% को जाने दिया जाए, लेकिन 80% हमारी तरफ आ जाए। इसे कहते हैं 80-20 का फॉर्मूला। ये जो जीत का फॉर्मूला है, ये कमाल का है। एक समय था जब अगर धर्म का इस्तेमाल राजनीति में होता भी था तो या तो इसकी निंदा होती थी या फिर इसको छिपाया जाता था, लेकिन अब लोग घणे चौधरी बन गए। अगर चुनाव धर्म पर लड़ा गया तो बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के लिए मुकाबला बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए, अगर लोगों ने धर्म के नाम पर वोट डाला तो योगी बहुत आगे निकल जाएंगे। पहले ही आपको बता देते हैं कि जीतेंगे तो योगी ही। मीडिया ने पहले गोदी मीडिया कहे जाने पर बुरा माना, फिर आपत्ति जताई, फिर चुप्पी साध ली और फिर इस पर गर्व करने लग गए। मतलब बस उसे गलत साबित करने की जहमत नहीं उठाई। नहीं, वो एक कौन सी मीडिया होती है? गोदी मीडिया। तो जैसे इस देश से भागे हुए माल्या अंकल फॉल कैलेंडर रिलीज करते थे, हम भी ले आए हैं इस साल के अंत का 2022 फॉल एडिशन, क्योंकि ये हमारी मीडिया के फॉल का सॉल माफ कीजिएगा साल था। व्हाट अ ग्रेट फॉल। आप भी इस कार्यक्रम को अपने परिवार के सहित जरूर देखें। लेकिन हम भी गोदी मीडिया की तरह घर चलाने के लिए किसी की गोदी में बैठने को मजबूर ना हो जाएं, इसीलिए फॉल एडिशन से पहले थोड़ा ब्रांड इंटीग्रेशन कर लेते हैं। और फिर इस वीडियो को बेहतर समझने के लिए आपको भारतीय मीडिया का अतीत भी जान लेना चाहिए। 100 साल पुराना इतिहास, 500 साल पुराना इतिहास, 1000 साल पुराना इतिहास। तो कुकू FM लेकर आया है आपके लिए एक बेहद खास ऑडियो बुक, कैसे जन्मी और कैसे खड़ी हुई भारतीय पत्रकारिता, कब छपा था भारत में पहला अखबार, कौन से थे वो पत्रकार जो ब्रिटिश सरकार के सामने बिना डरे खड़े थे, इमरजेंसी का दौर हो या अर्जेंसी की मांग, सत्ता हो या विपक्ष, कैसे भारतीय मीडिया कभी अपनी ऊंचाई पर जा पहुंची तो कभी जनता और अपनी दोनों की नजरों में गिर गई। ये कहानी बहुत पुरानी है, आज मैं आपको इतिहास में भी लेके जाऊंगा और प्रेजेंट में भी लेकर आऊंगा। कुकू FM की स्पेशल ऑडियो बुक जर्नी ऑफ इंडियन मीडिया फ्रॉम 15 मिनट्स टू 24/7 के साथ। कुकू FM, जहां पर मिलेंगे आपको बेस्ट ऑडियो बुक्स, टॉक शोज और कहानियां।
इस वीडियो के व्यूअर्स को मिलेगा कुकू एफएम के ईयरली सब्सक्रिप्शन पर पहले 250 सब्सक्राइबर्स के लिए 50% का डिस्काउंट। ओ माय गॉड, यूज कीजिए डिस्काउंट कोड क्रूर50। डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले और एप्पल एप स्टोर पर आज ही कुकू एफएम ऐप। दोस्तों, ये पैसों का खेल है, पैसों का। 2022 के साल की शुरुआत योगी जी ने नए साल की बधाई से नहीं की, बल्कि उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी से की और अपने सबसे समर्पित कार्यकर्ताओं को चुनाव अभियान में लगा दिया। ये कार्यकर्ता थे गोदी मीडिया के संपादक, एंकर और पत्रकार। इस सेशन का हमने नाम लिखा है योगी का जलवा 2022 में क्या भगवा। एक वीडियो देख रहा था, आएंगे तो योगी, वो गाना कहता है आएंगे तो योगी ही, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये कहा जाता है कि जितना जमीन पर काम हो नहीं हो, आप लोगों के दिमाग पर सही काम कर लेते। मुस्कुरा मुस्कुरा कर योगी जी आज मंच से लोगों को कन्विंस कर देंगे कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ। बाबा मुस्कुरा रहे, मैं सच कह रहा हूँ, आपसे बढ़िया नेता नहीं था उनके लिए कोई। क्योंकि आप सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, आप महंत भी हैं, एक योगी भी हैं। आप तो एक सेंट हैं, साधु हैं। जो धर्म योगी हैं, कर्म योगी, जो कर्म योगी हैं। और मोदी जी तो कह रहे हैं कि उपयोगी हैं, बहुत उपयोगी। योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा आदमी, बाबा बाबा बाबा। कहते हैं कि जब आप चापलूसी करते हैं तो आपकी IQ धीरे धीरे कम होती जाती है। डू यू नो व्हाट आई मीन? इसका एक्सपेरिमेंट करके इसको साबित किया मशहूर वैज्ञानिक अखिलेश यादव ने। उन्होंने गुल्लू और अंजना समेत तमाम एंकर्स को मंच पर ही दंत मंजन करा दिया। तो मैंने देश के ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई, नाम आपका भी है उसमें। है? सच बता रहा हूँ मैं। सबसे ईमानदार सच्चे पत्रकार आप हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं। आप इतने अच्छे ईमानदार पत्रकार हैं, आप देश के सबसे ईमानदार पत्रकारों में आते हैं। और देश के उन पत्रकारों में गिनती होती है जो ईमानदार पत्रकार हैं। कि आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, आप गलत शब्द बोलेंगे तो उस पर नाराजगी सौ बार जाहिर करेंगे। ईमानदारी गलत शब्द नहीं, हालांकि ज्यादा ईमानदार बोलूंगा तो हो सकता है आपको भी नाराजगी हो जाए। कोई नहीं, बोलिए ना। कि और लोग होंगे जो इसको बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मैं इसको स्वीकारने को तैयार नहीं हूं। अच्छा, मैंने वो शब्द वापस ले लिए। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, जो शब्द ईमानदारी वाला है वो मैंने शब्द वापस ले लिया। और फिर यूपी के नतीजे आए, सीटें भाजपा की ही कम हुई लेकिन सरकार बन गई। और चूंकि सरकार बन गई इसलिए भूल चूक लेनी देनी सब माफ। ये चुनाव आपको ये बताते हैं कि जिन लोगों ने कोविड को लेकर भारत सरकार की नीतियों को हर बार कमजोर और दिशाहीन बताया, कोविड के बाद आर्थिक मंदी और फिर बेरोजगारी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया, और जिन लोगों ने उसके बाद किसान आंदोलन के नाम पर देश को भड़काने की कोशिश की, ये नतीजे ऐसे लोगों के चेहरे पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। अब जो सत्ता में लोकतंत्र का नया नियम है वो यह है कि जो चुनाव जीत जाए वो हर आरोप से बड़ी हो जाता है, गोदी मीडिया का हरी हो जाता है, और जो उसके खिलाफ बोले वो नकली है। और ये जो बेरोजगारी और आर्थिक मंदी के मुद्दे हैं ये भी नकली निकले। इन नतीजों ने इस नकली माहौल की पूरी हवा निकाल दी है। लेकिन एक मिनट, आप ये तो नहीं सोच रहे कि ये रूल कम से कम चुनाव जीतने वाले सब पर लागू होगा? ऐसा नहीं है मित्रों, ये नियम केवल एक पार्टी के लिए है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के MCD इलेक्शन जीतते ही ये नियम पलट कर बिल्कुल उल्टा कर दिया गया। सुधीर बहुत निराश था, दिल्ली की जनता से बहुत ज्यादा निराश। दिल्ली की जनता को मुफ्त का माल इतना अच्छा लगने लगा है, दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार को स्वीकार कर लिया है, और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। इस बार जिन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया वो कम पढ़े लिखे और भ्रष्टाचारी लोग थे। ये दुख साला काहे खत्म नहीं होता बे? माय हार्ट पेन्स, मेरा दिल दर्द में है। टीवी में काम करते समय एक बात सिखाई जाती है कि खबर तो वही है, आप उसे अलग तरह से दिखाएंगे तो लोग देखेंगे। गोदी मीडिया को लगने लगा है कि मोदी जी तो वही हैं, सवाल भी बदले नहीं जा सकते, तो उन्होंने मीडियम ही बदल दिया। रूबिका ने जो सवाल कैमरा पर पूछे थे, मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड, आप थकते क्यों नहीं हैं? इंडिया टीवी ने वही सवाल फोन पर कर डाले। बीइंग ए रिपोर्टर, दिन भर फील्ड में थोड़ा बहुत हम लोग काम करते हैं और शाम होते होते बहुत ज्यादा थकान हो जाती है। आपको मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, कैसे मैनेज करते हैं, थकान नहीं होती कभी? न मोदी जी की विदेश यात्राएं खत्म हो रही हैं, न ही गोदी मीडिया का उनके साथ हनीमून पीरियड। इतना प्यार आपको बीमार कर सकता है, बहुत बीमार। एक इकोसिस्टम आपके खिलाफ काम करता है, विपक्षी दलों के कुछ नेता आपके खिलाफ लगातार बयानबाजियां करते रहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा तथ्य नहीं होते, बावजूद इसके इतनी पॉजिटिविटी कहां से आ जाती है? ये लेसन हमें भी चाहिए। अब आप कहेंगे कि अरे ये कोई सवाल हुए, वैसे आप कहते भी कहां हैं, लेकिन जिनको लगता है कि ये सवाल ही नहीं है तो जरा ये नजारा देखिए।
सुपर ह्यूमन या पॉपुलर पॉलिटिशियन, विजनरी या रेवोल्यूशनरी, क्या है नरेंद्र मोदी? क्या मोदी बेस्ट क्राइसिस मैनेजर हैं? हाँ, मोदी करेक्ट थे, मोदी करेक्ट हैं। क्योंकि कहते हैं ना, ऐसी लागी लगन, मीडिया हो गई मगन, वो तो गली गली पीएम गुन गाने लगी। पीएम मोदी ही हिंदू हृदय सम्राट है, सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट। देश के हिंदू हृदय सम्राट ही नहीं है, विकास पुरुष भी है। त्वमेव माता पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो दुनिया भर के नेता मोदी के मुरीद हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं बाइडन, वो मोदी के कायल हैं। जिनपिंग को छोड़िए, बाइडन तक में पुतिन के सामने बात रखने का मादा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी बात रखते हैं। फिर यूक्रेन में पुतिन की फौज स्टैग एंट्री करके बमबारी करने लग गई, लेकिन चौधरी के कहने पर मोदी जी ने वॉर में भी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट करवा दिया। और एक और बात आज हम आपको बताना चाहते हैं, जो कि शायद आपको नहीं पता होगी। भारत के कहने पर इस युद्ध को बीच में रोक दिया गया था, इसमें सीज फायर का एक विंडो दिया गया, और वो इसलिए दिया गया ताकि भारत सरकार के कहने पर 6 से 8 घंटे इस युद्ध को रोक दिया जाए, ताकि भारत के नागरिक वहां से सुरक्षित निकल सके। तो ये एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको यहां से बता रहा हूं, जो शायद आप तक नहीं पहुंची होगी, और ये किसी भी भारतीय के लिए एक गर्व की बात है। लेकिन अपने इस कर्तव्य का सरकार ने कोई क्रेडिट नहीं लिया। To say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it'll extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. मैं ये झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि 9 महीने बाद फिर से इस खबर की डिलीवरी हुई, 1 साल में दूसरी डिलीवरी, फिर से असुरक्षित फैक्स संबंधों के कारण। मोदी जी ने 11:30 बजे के आसपास यूपी चुनाव से वापस जाने के बाद दोनों राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष को फोन किया कि भैया हमारे बच्चों को हमें वापस लाना है, आप थोड़ा गोलाबारी 2-3 दिन के लिए बंद करो। और दोनों देशों के तोप के गोले बंद हो गए, इससे ज्यादा प्रभाव आज विश्व में किसी भी नेता का नहीं है। ये हर भारतीय के लिए गौरव एक गर्व की बात है, गौरव की बात है। स्क्रिप्ट राइटर लगता है एक ही है। मोदी जी ने भले ही क्रेडिट ना लिया हो, पर उसके लिए उन्होंने लोग रखे हुए हैं। लेकिन जरा देखिए तो, देशद्रोही छात्रों को विदेश में 2 देशों की सीमा पर खड़े होकर सरकार को झूठा कहने लगे। उनको पता नहीं है कि गोदी मीडिया के लिए ये न केवल एंटी नेशनल है, बल्कि ब्लास्फीमस है, लोकतंत्र है, इसलिए जाने दिया। मिलिट्री सेंस में इनके पास आ गया तो, नहीं आया, तो ये तनाव देखिए, ये लोगों के मन में आ रहा है, नहीं है कोई तो ठीक ठीक नहीं है यार, कोई ट्रेन में नहीं बैठा जा रहा। लेट मी डू माय वर्क, लेट मी फिनिश माय वर्क। हमको भी कुछ कहना दो, स्टूडेंट है कोई, कुछ बोल रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी कीव से रिपोर्टिंग करें। ये वही समय था जब कोविड के बाद के समय में जनता को खाने के लिए उबला आलू नहीं मिल रहा था, लेकिन गोदी मीडिया को पुतिन का भालू मिल गया था। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महायुद्ध में पुतिन का खूंखार भालू। जी हां, पुतिन ने अब यूक्रेन की धरती को शमशान बनाने को के लिए महायुद्ध में उतार दिया है अपना खूंखार भालू। जी हां। इसी बीच जंग के मैदान में मोहब्बत के फूल खिल उठे। ओह क्या सुंदर दृश्य था, टीवी पर ब्रेकिंग था। जंग के बीच व्लादिमीर पुतिन को लगा है बड़ा झटका, ज़ेलेंस्की के साथ रिलेशनशिप में है पुतिन की बेटी। ज़ेलेंस्की के साथ रिलेशनशिप में है पुतिन की बेटी, यानी कि पुतिन भी हिंदी फिल्मों में पप्पा की तरह ही बेटी के प्रेमी के देश के खिलाफ ही युद्ध छेड़ दिया। बाद में मीडिया को समझ में आया कि ज़ेलेंस्की 1 से ज्यादा लोग के नाम भी हो सकते हैं, और उनमें से कोई किसी राष्ट्रपति की बेटी का बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। अब ऐसे लबड़ दो और बकलोलों को आप क्या समझाइए, एकदम यहां से बकलोली के लेवल पर है, बुद्धि खत्म हो गई है जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने ऐसे लोगों की, तो इनको तो समझाना ही बेकार है। 2022 से कुछ साल पहले फेक न्यूज केवल चाय की दुकानों और नुक्कड़ों पर बैठे कुछ लोग फैलाते थे। गोदी मीडिया के एंकर्स ने तय किया कि वो आम लोगों की पहले से मुश्किल जिंदगी आसान करेंगे और ये काम अपने जिम्मे ले लेंगे।
जहांगीरपुरी में बुलडोजर के बाद सीधे मंदिरों पर बुलडोजर चला दिए गए कि दो दिन पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में मस्जिद के गेट पर बुलडोजर चला, दो दिन पहले आप समझिए, दो दिन पहले 20 अप्रैल को मस्जिद के गेट पर बुलडोजर और अब दो दिन बाद मंदिर पर बुलडोजर। जहांगीरपुरी का बदला, महादेव पर हमला। जानकारी जुटाने पर पता लगा कि मामला 18 अप्रैल यानी 4 दिन पुराना है, आज का कोई मामला नहीं है। सबसे बड़ा झूठ कि जहांगीरपुरी का बदला लेने के लिए किया गया। बीजेपी कह रही है कि मंदिर तोड़कर हमारी हिंदुओं की आस्था पे जोरदार प्रहार किया गया है। बीजेपी नेता इसे लेकर कांग्रेस सरकार को घेर रहे थे, मगर दिलचस्प बात ये रही कि राजगढ़ नगर पालिका में बीजेपी का ही शासन है और नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया भी बीजेपी के हैं। तो कृपया करके फर्जी बड़ा ना फैलाइए नेशनल टेलीविजन के ऊपर, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, ये साल गोदी मीडिया के गैर कानूनी तरीकों से अल्पसंख्यकों और गरीबों को डराने के पूरे गुंडा तंत्र के साथ खड़े होने का भी था। डंके की चोट पर बोल रहे हैं, देश नहीं झुकने देंगे, बुलडोजर नहीं रुकने देंगे, बुलडोजर चलेगा। और ये आपने उत्तर प्रदेश में देखा है, उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल जिसे मध्य प्रदेश के मामा ने भी अपनाया और अब इसी मॉडल को पूरे देश में लागू करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया विद बुलडोजर, देश मांगे बुलडोजर राज। आप इसकी खिलाफत कैसे कर सकते हैं? गोदी मीडिया खुद ही बुलडोजर की ड्राइवर बन गई थी। पहली तस्वीरें आज तक पर आप देख रहे हैं, क्रेन चल रहा है मस्जिद के सामने, मस्जिद के ऊपर सबसे पहला क्रेन जो आप देख रहे हैं आज तक इस पर वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाता हुआ। ये ऐतिहासिक तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं, ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। न्याय बुलडोज हो गया, नशे का ओवरडोज। तो हो गया तो क्या करें, बाकी कोई मजा रह गया हो तो गुल्लू है ना। ये आदमी जब बोलता है तो ये खुद भी नहीं सुनता है कि कह क्या रहा है, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये फैक्ट चेक करेंगे। दूसरी बात, अब देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, ये बात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोली। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोली, वो मुसलमान नहीं थे, वो तो सिख थे, पर बोली उन्होंने, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह SC ST OBC महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों की बात कर रहे थे, कलेक्टिवली कह रहे थे कि ये जो पिछड़े हैं इनका देश के संसाधनों पर पहला हक है। आपकी डिबेट पे फर्जी न्यूज चलाई जा रही है और उस पर बहस भी चल रही है और कोई कुछ उसको रोक टोक नहीं रहा। फिर जैसे कि हम जानते हैं कि मोदी जी के आने के बाद देश में लोकतंत्र जरूरत से ज्यादा हो गया है, तो जी न्यूज लेकर आया है इसका समाधान। हमारे देश में कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का तो कानून है जिसमें जेल की सजा तक का भी प्रावधान है, लेकिन कंटेंप्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जैसा कोई कानून नहीं है। सऊदी अरब में किंग को अपशब्द कहना आतंकवादी अपराध के दायरे में आता है, यानी सीधे सीधे फांसी भी हो सकती है। डेमोक्रेसी वगैरह होती रहेगी, पहले तो सऊदी जैसे कानून लाइए कि प्रधान सेवक की सेवा में मजाल है कि कोई कमी निकाल दे। और हाँ, जब तक कानून नहीं है तब तक जो बोलता है बोलता रहे। एक हमला करके दिखाइए इस सरकार पे, यहाँ जहाँ बैठे हो, यहाँ या दिल्ली में, फिर देखते हैं कि किसने क्या गलती की। मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप अगले दो दिन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ स्टोरी मैं दूंगा, आप चला के दिखाइए, मैं आपको चुनौती देता हूँ। मीडिया के फैसलों पर, मीडिया के टॉपिक्स के चयन पर बचिए टिप्पणी करने से। हाँ, मीडिया का काम सवाल करना तो है, लेकिन सरकार से नहीं, सिर्फ विपक्ष से। तो सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है गोदी मीडिया को विपक्ष के लिए सवाल बताना। भ्रष्टाचार पर आप उनको घेर रहे हैं, लेकिन अभी तो एजेंसियां आपकी पार्टी के पीछे पड़ी हुई हैं। सत्येन जैन से होते हुए मनीष सिसोदिया। अच्छा चलिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं। हाँ। सतिंदर जैन का आरोप के ऊपर आरोप क्या है? 6 महीने से जेल में है, उसके ऊपर आरोप क्या? आप तो इतनी सीनियर पत्रकार है, सब पता है आपको। नहीं, पर कोर्ट में उन्हें बेल भी नहीं मिल रही है ना अभी तक। आरोप क्या है, उसने क्या घोटाला किया? क्या घोटाला किया किसी को नहीं पता। मैं ओपन कर दीजिए, इतनी ऑडियंस बैठी है, माइक दे दीजिए किसी को, कोई ये बता दे कि सतिंदर जैन ने घोटाला क्या किया, वो जेल क्यों गया है? मुझे तो पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। वैसे एक मामले में दर्शकों की बड़ी संख्या की भी तारीफ करनी होगी कि एंकर्स की IQ की बराबरी करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आप में से कितने लोग गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम जानते हैं? हाथ उठाइएगा। एक स्टूडेंट को नाम नहीं पता है गुजरात के मुख्यमंत्री का? एक स्टूडेंट को नहीं पता है? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को यार। एंकर गोदी के नशे में है,
जनता ने भी नशा कर लिया है, वो भी नशाबंदी वाले राज्य में। बाबूलाल आया था, कुछ नहीं हुआ। चलिए, गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लोग मुझसे बात करने आ रहे हैं सब शराब पी हुई है उन्होंने। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने न्यू इंडिया बनाया है। पर ठहरिए, ये नशे का ओवरडोज इस साल आया गुजरात इलेक्शन के दौरान, जहां चुनाव की आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और रूबिका जी इसे लोकतंत्र बता रही थी। और ये उम्मीद नहीं थी कि पैदल जाएंगे, उम्मीद थी कि वो अपनी गाड़ी में जाएंगे, लेकिन यहाँ से पैदल जाते हुए काफिला और ढोल नगाड़े की आवाज और तेज हो गई है। रोमान रूबिका, लेकिन ये मौका निजी छवि के निर्माण का नहीं है, नहीं ये राजनीतिक प्रचार का है, नहीं ये भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहराने का मौका है। ये सब चुनाव प्रचार हो चुका है। पत्रकारों को और मीडिया को, समीक्षकों को चाहिए कि वो इस बात की तफ्तीश करें कि इस मौके पे जो भीड़ जमा होती है वो भीड़ स्वतः स्फूर्त होती है या नियोजित होती है। जिस तरह लोग एक ही सी ड्रेस पहने हुए हैं और जिस तरह से मीडिया पे उसका कीर्तन होता है, फिर उसका है, मुझे नहीं लगता कि इससे मीडिया की छवि भी जनता की निगाह में कोई बहुत ज्यादा निष्पक्ष दर्शकों की निगाह में बहुत ज्यादा अच्छी है। आपकी राय का पूरा सम्मान है, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं ये आपको सच में मैनेज दिख रहा है। मीडिया पार्टी का एजेंट नहीं है। नहीं है, कोई पार्टी के एजेंट नहीं है अभय जी, कोई पार्टी का एजेंट नहीं है। लोकतंत्र के त्योहार में इसी तरीके से लोग आते हैं। जी हाँ, ये ही है न्यू इंडिया, जहाँ लोकतंत्र पर वार ही लोकतंत्र का त्योहार है। अच्छा नहीं लगता मुझे तो, व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख होता है। गुजरात चुनावों के ठीक पहले गुजरात के ही मोरबी में एक दुखद हादसा हुआ। मोरबी में एक पुल टूटा और गोदे मीडिया में से भी बुद्धि की खबर से जोड़ने वाला पुल टूट गया। जो लोग हादसे में मारे गए, सारा दोष उन पर ही डाल दिया गया। कुछ लोगों को ये बात आज हमारी बुरी लग सकती है, आज का दिन तो नहीं है ये कहने का, लेकिन फिर भी कड़वा सच ये है कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस हादसे के दोषी जरूर हैं। एक वीडियो बहुत चल रहा है जिसमें कुछ युवक दिखाई दे रहे हैं जो कि इस पुल को लगातार हिला रहे हैं। हिला रहे हैं, पुल को हिलाया, जोर जोर से पुल को हिला रहे थे, जोर जोर से हिलाने लगे, जोर जोर से हिला रहे थे। और जब फ्रीक्वेंसी पुल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मेल खाई तो पुल अपना भार नहीं संभाल पाया, जिससे पुल टूट गया। सर ये फिर पागल जैसी बात है, मैं बहुत इरिटेट हूं। पागल किसी को नहीं बोल रहा। और महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायकों के टूटने पर जैसी खुशी अर्णब के चेहरे पर खिली, वो लोकतंत्र के लिए तो शर्मनाक ही है। दरअसल आज जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है वो हिंदुत्व की जीत है दोस्तों। हिंदुत्व, हिंदुत्व दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व। हमारा हिंदुत्व, आपका हिंदुत्व। हालांकि नफरत के खेल में अब अर्णब गोस्वामी पीछे छूट गए। अब इस रेस में सबसे आगे दौड़ने वाले का नाम है अमन चुप। ऐसी क्रिमिनल पत्रकारिता कि एक पूरे समुदाय को टीवी पर ही आतंकवादी कह दिया। हिजाब का फटा पोस्टर निकला अलकायदा, पूरी हिजाब गैंग और हिजाब वाली गजवा गैंग के चेहरे से पर्दा उठा दिया। पर्दे में अल जवारी निकला है। ये अल जवारी और आतंकवादी संगठन, ये लोग थे इस पूरे विवाद के पीछे, अंतर्राष्ट्रीय टुकड़े गैंग। जवारी को भरोसा है कि अगर मैं बोलूंगा कि सारे मुसलमानों एक हो जाओ और हिजाब के लिए लड़ो तो ये सारे खड़े हो जाएंगे। जवारी को भरोसा और उनके भरोसे पर खड़े उतरते हैं ये लोग। इस जहरीली पत्रकारिता के लिए चैनल पर फाइन भी लगा, लेकिन फाइन का नोटिस जिस वक्त थमाया था उस वक्त भी चैनलों पर यही ब्रॉडकास्ट हो रहा था। भारत में हिजाब का मामला मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा है या जिहादी सोच के समर्थकों का? आखिर हिजाब महिलाओं का मुद्दा है या जिहादियों का? हिजाब के इस मुद्दे को मैं मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा मानती ही नहीं। आपका सिर क्या शर्म से कभी झुकता है? 2022 के गोदी मीडिया के इस पल को देखकर हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। जिस तरह से एक मासूम लड़की की निर्मम हत्या को गोदी मीडिया ने हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया, सारे तथ्य और तर्क ताक पर रख दिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि देश को आफताब नहीं लव जिहाद के खिलाफ कानून चाहिए, लव जिहाद के खिलाफ। क्योंकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आरोप है कि ऐसी हत्याओं के पीछे सोची समझी लव जिहाद वाली थ्योरी है, साजिश है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा है कि दावा किया है कि श्रद्धा की हत्या लव जिहाद के तहत हुई,
महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता राम कदम ने मांग उठाई है कि श्रद्धा केस की जांच लव जिहाद के एंगल से भी होनी चाहिए। लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद। इसी गोदी मीडिया ने महिलाओं पर होने वाले तमाम तरह के जुल्म पर चुप्पी साधे रखी। उनके खिलाफ होने वाले अपराधों की तमाम खबरों को एक बार हाथ में लेकर नहीं देखा, लेकिन जब भी मौका दिखा अपराध को सांप्रदायिक रंग देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक रैकेट चल रहा है दोस्तों, जो वेल फंडेड है, जो हिंदू लड़कियों को ट्रैप करता है, उनको उनके परिवार से अलग करता है और फिर या उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए उनको उकसाता है या उन्हें मार डालता है। आप सब सचेत हो जाइए, ये बात करेंगे अच्छी अंग्रेजी में, ये दिखेंगे कूल, दिखेंगे मॉडर्न, पर अंदर से ये दरिंदे हैं, दरिंदे। लेकिन जिन पत्रकारों का सिर, रीढ़ और ईमान सत्ता के सामने पहले ही झुक चुका हो, उनका सिर शर्म से क्या ही झुकेगा। यहाँ तक कि सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तक को ये समझ में आ गया कि इतनी गंदगी भी ठीक नहीं है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्राइवेट न्यूज चैनलों की तरफ से की गई रूस यूक्रेन युद्ध कवरेज, जहांगीरपुरी विवाद और लाउडस्पीकर मामले समेत की गई टीवी डिबेट को लेकर नाराजगी जाहिर की है। एडवाइजरी में बताया गया है कि टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 की धारा 20 केंद्र को सशक्त बनाती है कि वो टीवी चैनलों के खिलाफ उचित कदम उठा सकती है। केंद्र सरकार का कहना है कि अगर कोई कार्यक्रम तय निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो उस चैनल पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन गोदी मीडिया साल 2022 में नहीं माना और फिर यही मंत्रालय इन्हीं नफरती एंकरों और फेक न्यूज फैलाने वालों को सम्मानित करने भी खड़ा हो गया। इसे ही कहते हैं ना, ये सब मिले हुए हैं जी, ये सब मिले हुए हैं। आपके पसंदीदा चैनल आज तक ने फिर से खबरों की दुनिया में अपना परचम लहराया है। ये आपका प्यार है, ये आपका आशीर्वाद है। न्यूज चैनल को दिए जाने वाले देश के सबसे प्रतिष्ठित ENBA अवार्ड की तस्वीर है। ABP न्यूज, कांग्रेचुलेशंस टू यू। जाहिर है कि जब आपको अवार्ड और सैलरी दोनों ही इलॉजिकल बातों के लिए मिल रहा है तो फिर आप लॉजिकल बात पर ध्यान भी क्यों देंगे। तो मीडिया को लगा कि अगली बार अवार्ड कोई और न ले जाए, इसलिए और ज्यादा बेसिर पैर का बकवास करना जरूरी है। इसके लिए ज्योतिष से बेहतर क्या हो सकता है, तो झटपट जितने हो सकते थे ज्योतिषी बुलाए गए। आप देखने जा रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम, 11 ज्योतिषी बताएंगे हम वर्ल्ड कप लाएंगे कि विजय भारत की निश्चित है, क्योंकि अगर भारत की कुंडली के हिसाब से भी हम देखें तो भारत के पक्ष में ये मैच जाएगा। 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा भारत का विजय प्राप्त होगा। ये भी 100% वाला मामला आपका भी है। चलिए भाई, ये तो गॉड है यार। एक काम कर रहा है, इंडियन क्रिकेट में ना तू चुन, जिसके कुंडली में सेंचुरी वो टीम के अंदर, मैं बोल रहा हूँ कभी हारेंगे नहीं, 1100 नॉट आउट। इस बीच एलियंस भी गोदी मीडिया से नाराज थे कि कई साल से उनकी उड़न तश्तरी को इन लोगों ने आसमान में अटका रखा था। ये नाराजगी भी इस साल दूर हो गई। 25 दिसंबर को वापस लौटेंगे एलियन। जब कोई प्रोपेगेंडा नहीं था, कोई भी खबर नहीं चलाई जा रही थी, तो उनको सीट मिली क्रिकेट के स्टेडियम में। एलियन पर भी चढ़ा क्रिकेट का बुखार, एलियन पहुंचा 7 समंदर पार। भारत पाकिस्तान मैच के हर मोमेंट पर थी एलियन की नजर। विराट कोहली के हर चौके छक्के पर एलियन ताली बजा रहा था। और फिर आया साल का सबसे अहम सवाल। सवाल यह है, सी का मतलब क्या है? What is the meaning of सी? Now, in this video, the आम आदमी पार्टी गुजरात स्टेट प्रेसिडेंट repeats the word सी बनाता हूँ, सी बना रहा हूँ। कैपिटल सी बनाने का काम करते हैं। ये कैपिटल सी क्या है? आई एम आस्किंग यू, व्हाट डज सी मीन? देश की जनता जरूर सवाल पूछ रही है, सी का मतलब क्या होता है? जवाब आसान था वैसे, वही जो आप बना रहे हो पूरे देश को। सी जो उन्होंने कहा, ये तो हर एक को पता है ना, वो गाली है। साफ तौर से गाली होती है। अधिकतर लोगों को शायद पता है सी का मतलब क्या होता है, पर जैसा कि एंकर ने कहा, सबको तो पता है। ऐसा लगता है आपको? अरे सी क्या होता है? क्या होता है? समुद्र। क्या चीज है? क्या है सी? समय करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, ये तो दर्शक देख रहे हैं, ये सी है क्या? ये जो 22 नगीने हम आपके लिए चुनकर लाए थे साल 2022 के गोदी मीडिया के बेहिसाब नगीनों में से, इतने से भी आपका साल छोटा लग रहा हो तो जाते जाते ये भी सुन लीजिए, क्योंकि साल भर ये देखने और लगातार आपके लिए ये सब इकट्ठा करने के दौरान हमको भी लगा कि समझदारी और लॉजिक
आत्महत्या कर चुके हैं। क्या वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी मेसी आत्महत्या करने की सोच रहे हैं? क्या वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेसी आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं? मेसी और आत्महत्या, इनका क्या कनेक्शन है? जितना कितनों का पैकेज नहीं होगा हमारे यहां, उतना वो पर डे कमा रहा है भाई। फिर आप कहेंगे मेसी आत्महत्या के बारे में क्यों सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। आज मैं ये सवाल बहुत संजीदगी से पूछना चाहती हूँ कि ये हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? संविधान का तो मजाक हो रहा है। नया साल इस दुआ के साथ मुबारक हो कि इस साल आपको ये सब न झेलना पड़े। आपने बोला, आपने जनाब बोला कि दलाल जो है वो अभद्र भाषा नहीं, यही बोला ना आपने? दलाल अभद्र भाषा नहीं है। परिवार में किसी सदस्य को बोलेंगे ये दलाल इधर आओ, बोलते हो आप? भोसड़ी का चूतिया। ये ऑडियो बंद, ऑडियो बंद, ऑडियो बंद। कट 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 कट। आज ये वीडियो पर्दाफाश करते हैं। सोचिए, समझिए, जानिए ये हो क्या रहा है भारत। नमस्कार, प्रणाम, गुड नाइट, पर जाइएगा मत।